बहता पानी की आवाज सुनकर पेशाब आना, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। काफी लोग ऐसा बोलते हैं मेरे तो, जो आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमको है ना हाथ धोते हैं, हम तो हाथ धोते धोते अभी ऐसा लगता है कि पेशाब आ गई, हालांकि उसके पहले कुछ समय पहले पेशाब करके आए रहते हैं। या कुछ बोलते हैं कि भाई पानी की आवाज आ गई है तो ऐसा लगता है कि अपने को पेशाब आ गई। तो ऐसा क्यों होता है? पेशाब फिर बार बार जाना पड़ता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक बार पेशाब जाके आते हैं, फिर कुछ समय बाद में फिर पेशाब जाएंगे, और फिर उनको बोला कि बाहर जाने का है, चलो बोले ठहरो अभी मैं जाके आता पेशाब, मतलब ऐसा भी होता है। हालांकि उनको ना डायबिटीज़ होता है ना और कुछ बीमारी है, मगर एक ओसीडी टाइप भी ऐसा होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक वेरिएंट, नॉट ओसीडी एग्जैक्टली, मतलब उनको बार बार लगता है कि जाना चाहिए पेशाब। हालांकि पेशाब थोड़ी थोड़ी हर बार होती है, मगर कुछ लोग ये बहते पानी से, मतलब बहता हुआ पानी का आवाज़, नल का आवाज़ आ रहा है, पानी बह रहा है, वो बाथरूम में होगा या बेसिन में होगा, तो उनको लगता है कि अपन ने पेशाब जाना चाहिए। या उनको लगता है कि अपन जब हाथ धोते हैं वॉश बेसिन में, तो हाथ धोने के समय फिर जैसा उसका आवाज़ आता है तो उनको लगता है कि अपन ने पेशाब जाना चाहिए। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है पहलवान ने किया हुआ है, यदि आप समझ जाते हैं तो मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। पहलवान ने क्या किया, कुत्तों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और अपना बिहेवियर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में फिर विश्लेषण किया। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग करके, ये बहुत एग्जाम, मतलब ये बहुत फेमस है स्टडी, उन्होंने ऐसा किया कि कुत्ता रखा है, मतलब बैठा हुआ है, जोर से घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद में कुछ सेकंड के बाद में फिर उसको खाना खाने दिया, जब कुत्ता भूखा हुआ था, मतलब भूख लगी हुई थी। रोज ऐसा किया कि खाना खाने के पहले उसको घंटी की आवाज़ सुनाई और खाना दिया, घंटी की आवाज़ सुनाई खाना दिया। अभी हुआ क्या कि कुत्ते को आदत पड़ गई कि भाई घंटी की आवाज़ आती है तो अपने को खाना मिलता है। नेचुरली क्या होता है कि जब खाना मिलता है, मतलब खाना खाने के पहले अपना क्या होता है, खाना खाने के पहले सलाइवा आता है, लार आती है जब खाना आता है, तो घंटी की आवाज़ आती थी, खाना आता था तो उसके पहले उसको लार आती थी, तो लार जमा करता था सलाइवा पहला और फिर बाद में खाना देता था। धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ दिन के बाद में उन्होंने घंटी बजाई, खाना दिया नहीं और तभी भी सलाइवा आ गया। क्यों? क्योंकि उसको भी लगा था कि घंटी बज गई मतलब अभी खाना मिलने वाला है, तो नेचुरली रिफ्लेक्सली वो सलाइवा लार बाहर आ गई। तो ये कंडीशनिंग होता है ब्रेन में, कि ब्रेन एक ऐसा एक प्रोग्रामिंग हो जाता है कि ये होने के बाद में ये होने वाला है नेचुरली। तो वैसा ही ये हैंड वॉशिंग का है, और ये हैंड वॉशिंग वैसे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम पेशाब करने के बाद में हैंड वॉश करते, पेशाब करने के बाद में हैंड वॉश करते, या हैंड वॉश करते और बाद में पेशाब को जाते हैं। तो एक कंडीशनिंग ब्रेन में हो जाती है, और पानी की आवाज़ उसकी भी कंडीशनिंग ब्रेन में हो जाती है, और वो सुन के फिर हमको पेशाब लग जाती है। इसमें स्टडी भी की हुई है, 1636 महिलाएं और 3010 पुरुष, इनके ऊपर ये स्टडी हुई है, और उनमें से जब क्वेश्चन आंसर्स किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि 50 साल के उम्र के जो महिला और पुरुष थे उनमें से 3% लोगों को ये हैंड वॉशिंग या पानी की आवाज़ से पेशाब लगती थी, और 60 साल और उसके ऊपर के जो लोग थे उनको 16% लोगों को ये हैंड वॉशिंग और पेशाब आती थी, और कुछ कुछ लोगों को तो इनकॉन्टिनेंस होता था, उसको बोलते हैं हैंड वॉशिंग इनकॉन्टिनेंस, जैसा हैंड वॉश कर रहे तो पेशाब थोड़ा टपकना चालू हो गया। तो बहुत ही एग्जाम्पल है क्लासिकल, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें यह है कि भाई उसको प्रेजेंट हो जाते हैं हम कि भाई नहीं ये ऐसा हो रहा है और ये कंडीशनिंग हुआ है, तो वो कंडीशनिंग तोड़ना पड़ेगा। जब भी पेशाब लगी है तभी पेशाब को जाना नहीं है, हैंड वॉश करे पेशाब को नहीं गए, हैंड वॉश करे पेशाब को नहीं गए, तो धीरे धीरे ये टूट जाएगा। जैसा घंटी बजी और खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई खाना नहीं दिया, एक समय ऐसा जाएगा कि घंटी बजने के बाद में भी सलाइवा आना बंद हो जाएगा। वैसा ही ये हैंड वॉशिंग का है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप
टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।